कल्चर क्या होता है क्या है मीनिंग डिफिनीन इंपॉर्टेंस करेक्टरिस्टिक्स ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट क्या होता है और क्यों जरूरी है तो जो भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं या फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उनके अपने अपने डिफरेंट कल्चर्स होते हैं सब कल्चर्स होते हैं हर कल्चर में और सब कल्चर में डिफरेंट बिलीफ डिफरेंट एटीट्यूड डिफरेंट फूड क्लोथ डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट नॉर्म्स वर्किंग पैटर्न जो है सबका अलग अलग होता है हर कल्चर में आपको जो है डिफ्रेंस देखने को मिल जाएंगे चाहे उनके खाने पीने में हो चाहे उनके पहनावे में हो चाहे उनके बोली भाषा में चाहे उनके बिलीफ में हो उनके एटीट्यूड में डिफरेंसिस आपको कल्चर वाइज देखने को मिल जाते हैं और आज के ग्लोबलाइजेशन के एरा में आज के ग्लोबलाइजेशन के एरा में क्या है कि जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी बाउंड्रीज ओपन कर दी हैं कि जो बाहर की कंट्रीज हैं वो हमारी कंट्री में आके बिजनेस कर सकते हैं जो हमारी कंट्री के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर की कंट्री में जाकर बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि टाटा का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं तो टाटा जो है ट्वेंटी कंट्रीज में जो है अपना बिजनेस जो है वो रन कर रही है अफ्रीका एशिया यूरोप अमेरिका तो टाटा इंडिया के लेकिन इसके अलावा वो अदर कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म करिए बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो इस केस में क्या होता है कि कंपनीज परफॉर्मिंग देयर बिजनेस इन वन वन कंट्री यानी कि कल्चर आर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस टू अदर कंट्रीज यानी कि अदर कल्चर भाई हर कंट्री का अपना अपना कल्चर है तो ग्लोबलाइजेशन की एरा में क्या है कि कंपनी जो है अपने आपको एक्सपेंड करना चाहती है अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है अपने एक कंट्री से निकल के बाहर के अदर दूसरे कंट्रीज में भी जाकर जो अपना बिजनेस परफॉर्म करना चाहती है यानी कि वो तो एक कल्चर से निकलकर बाहर दूसरे कल्चर के लिए जो है बिजनेस रन करेगी दूसरे कल्चर के लिए प्रोडक्ट जो है बनाएगी दूसरे कल्चर के एम्प्लॉय को डील करेगी क्लियर तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो uh, जो जो कंपनीज़ कंपनीज़ हैं हैं उनको है डिफरेंट नेशन में डिफरेंट कल्चर uh, में जो है अपना बिजनेस परफॉर्म करना पड़ता है इसके लिए उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स यानी कंज्यूमर से डील करना पड़ेगा जिनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिफरेंट होगा लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफरेंट होंगे यानी कि आप इंडिया की कंपनी हो तो आप इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो इंडिया के कस्टमर के प्रेफरेंस आपको पता है कि उनका टेस्ट डिफ्रेंस है उनके लाइक डिसलाइक्स क्या है वहीं पर जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर वही प्रोडक्ट सेल करोगे तो वहां के कंट्री के जो पीपल होंगे उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उनकी लाइक like, डिसलाइक्स उनका जो परचेजिंग बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा तो यहां पर जो कंपनी ग्लोबलाइज्ड है उनको जो है दो कल्चर को डील करना दो कल्चर के लोगों को डील करना पड़ता है कस्टमर को डील करना पड़ता है इसी तरीके से जब आप दो जगह पे बिजनेस परफॉर्म करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉइज को भी तो डील करना पड़ेगा इंडिया में इंडियन कल्चर के एम्प्लॉइज को डील करोगे आप अमेरिका में गए तो अमेरिकन कल्चर के जो वेस्टर्न कल्चर के एम्प्लॉय उनको आपको डील करना पड़ेगा तो डिफरेंट एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट कल्चर हैविंग डिफरेंट लैंग्वेज वर्किंग पैटर्न बिहेवियर को आपको जो है डील करना पड़ता है तो जब भी कोई कंपनी जब इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करने जाती है तो उस केस में उसको जो है डिफरेंट कल्चर के कस्टमर को डिफरेंट कल्चर के एम्प्लॉयज को डिफरेंट कल्चर के अलायंस uh, को डिफरेंट कल्चर के जो सप्लायर्स uh, है उनसे डील करना पड़ता है उनका वर्किंग पैटर्न अलग हो सकता है उनका लैंग्वेज अलग होगा उनका बिहेवियर जो है अलग हो सकता है उनका रिस्क टेकिंग जो है वो बिहेवियर अलग हो सकता है डिफरेंट कल्चर कल्चर में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो डिफरेंट होती है जैसे कि कहीं पर जो है सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है तो कहीं पर डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है किस कर, किसी कल्चर में रिस्क टेकिंग को बढ़ावा दिया जाता है तो किसी कल्चर में सेफ्टी को जो है बढ़ावा दिया जाता है तो डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट वर्किंग पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में और ऐसे सिचुएशन में जब सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही होती है उसको तो मल्टीपल कल्चर से उसको डील करना पड़ता है मल्टीपल कल्चर के कस्टमर से मल्टीपल कल्चर के एम्प्लॉयज से उसको डील करना पड़ता है और यहीं पर क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कल्चर्स में उनको कंपेयर किया जाता है एंड सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव द इंट्रैक्शन ऑफ कोवर्कर मैनेजर एग्जीक्यूटिव क्लाइंट सप्लायर एंड अलायंस पार्ट

जगह के बिजनेस को इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए जो है आपको क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट आना चाहिए क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट करना होता है तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि इट इज मैनेजमेंट ऑफ क्रॉस कल्चर यानी कि डिफरेंट बिजनेस पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस एंड कल्चर यानी कि मैनेजिंग डिफरेंट बिजनेस पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन एंड कल्चर तो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसने ये दिखाया है जिसने ये बताया है कि जो कल्चर डिफरेंस हैं अगर आप जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं समझ पाती है तो उनका बिजनेस जो है वो फेल हो जाएगा लीड नहीं कर पाएगा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं वॉलमार्ट का केस था या फिर जो है आप वर्ल्ड का केस था इन दोनों में ही जो है क्या हुआ था कि इन्होंने अपना बिजनेस किसी दूसरी कंट्री में ओपन किया था और जिसकी जो है कल्चर डिफरेंस को ना समझ पाने की वजह से अपना ही चीज वहां पर भी जाके लागू कर देने से अपने ही कल्चर के अकॉर्डिंग अपने ही बिजनेस जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग दूसरे कंट्री में भी जाकर उन्होंने सेम तरीके से बिजनेस परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था और जिसकी वजह से उनका बिजनेस क्या हो गया था फेल हो गया था तो दो इंपॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम बताए गए हैं क्रॉस कल्चरल बिजनेस इंट्रैक्शन को लेकर पहला है इथ्नोसेंट्रीज और दूसरा है सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरियन ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो क्रॉस कल्चर होते हैं उनको मैनेज करने में कंपनी फेल हो जाती है और उस केस में फिर जो है उनका बिजनेस जो है डूब जाता है बंद हो जाता है तो सबसे पहला क्या है इथ्नोसेंट्रीज में मतलब क्या हो गया इट इज द बिलीव दैट द पीपल कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ योर ऑन रेस और नेशनैलिटी आर बेटर देन ऑफ द अदर यानी कि जब आप ये मान हो कि जो आपका कल्चर है जो आपका ट्रेडिशन है जो आपके लोग आपका कस्टम है वो बाकी दूसरे कंट्री से ज्यादा अच्छा है और उस केस में आप आप क्या करते हो कि जो आप अपने जिस तरीके से बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हो उसी तरीके से आप दूसरे कंट्री में जाकर बिजनेस परफॉर्म करने लग जाते हो तो इस केस में क्या होता है कि जब वहां का कल्चर अलग है आपका कल्चर अलग है आपका ट्रेडिशन अलग है उनका ट्रेडिशन अलग है लेकिन आप अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग दूसरे ट्रेडिशन में जाकर जो है आप वहां पर बिजनेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो बिजनेस फेल हो जाता है तो पहला रीजन क्या हो गया इथनोसेंट्रीज क्लियर तो ज तो नहीं होना चाहिए जिस कंट्री में जिस कल्चर जिस ट्रेडिशन में आप बिजनेस परफॉर्म करने जा रहे हो उस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आपको जो है बिजनेस को परफॉर्म करना चाहिए दूसरा है सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरियन पर क्या हो गया इट इज जजिंग दर्स कल्चर बाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर ऑन कल्चर यानी कि आप दूसरे के कल्चर को अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर जज करते हो तो इस केस में भी क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है जो ग्लोबली बिजनेस परफॉर्म करना चाहते हो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा तो जब भी क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट करने जाते हैं तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि इथ्नोसेंट्रेज नहीं होना है और सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरिया का यूज़ नहीं करना है क्योंकि हर कल्चर अपने में डिफरेंट है और हर कल्चर के लोग की जो एटीट्यूड है बिलीफ है उनका वर्किंग पैटर्न है वो जो है डिफरेंट होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट करना होगा जिससे कि आप इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें यू ऑल द बेस्ट कीप पॉचिंग